सर मुझे राजू से मिलना है। राजू साहब, ये वही लड़का है जिसने अपनी सफाई में कुछ कहा नहीं है। तिवारी, जाएंगे राजू से मिला दो। राजू, कैसा है यार? जैसा भी तेरे सामने। यार ये सब कैसे हुआ? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, और शायद तू जानता है कि किसान का बेटा ऐसा कदम क्यों उठाता है। जब एक किसान अपने दिन रात की मेहनत के बाद अपना ही हक लेने जाता है तो उसको क्या मिलता है? लाचारी और उसके मेहनत के नाम पे मायूसी, मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो हरिलाल, कैसे आना हुआ? मालिक मुनीम साहब के पास गया था, उन्होंने कहा कि मालिक से मिलो। साहब मैंने जो गन्ना आपको बेचा था, अगर उसका पैसा इस वक्त मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। क्यों इतना परेशान होते हो? मालिक मेरे सर पर बैंक का कर्जा है, लोगों को उधार है, अगले महीने बिटिया का ब्याह है। मालिक इस वक्त अगर मुझे पैसा मिल जाए बड़ी मेहरबानी हो जाती। मालिक देखो हरिलाल, बाजार के लेन देन में थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही है। तुम ऐसा करो, 10-12 दिन बाद आना। जैसी आपकी मर्जी। नमस्ते। बाबूजी पानी। भैया की चिट्ठी आई थी, फीस भरने के लिए पैसे मंगवाएंगे। भर दूंगा पैसे, जैसे ही मिलेंगे भर दूंगा। मालिक नमस्ते। अरे हरिलाल तुम? साहिब आपने 8-10 दिनों के बाद बुलाया था ना गन्ने के पैसे देने के लिए। अरे मैंने तो तुम्हें 10-15 दिनों के बाद बुलाया था। खैर जब तुम आ ही गए हो तो लेते जाओ मेरे मुनीम से 1000 रुपए। अरे साहिब ये तो बहुत कम रुपए हैं साहब, सिर्फ 1000 रुपए। क्या कहा? अरे गनीमत समझो, यही रकम मिल गई। वरना तुम्हारे गन्ना तो कोई पूछता ही नहीं। वो तो मैंने ही 3 की बजाय 5 में ले लिया था। अरे साहब हमारा गन्ना तो आप 3 रुपए के हिसाब से खरीदते हैं और चीनी हमें मिलती है 50 रुपए किलो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कम से कम 10 रुपए के हिसाब से तो खरीद लेते साहब। अगले महीने मेरी बिटिया का ब्याह है साहब, कुछ पर तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ी सी दया कर दो मालिक, कुछ पैसे
कम से कम 10 रुपए के हिसाब से तो गन्ना ले लो मालिक। कुछ नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। माल सही देते नहीं है, चले आते हैं सर उठा के पैसे लेने। नमस्ते। लड्डू लाया, तुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। ये दे, ये लड्डू खा ले, अब तुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। राजू, हर किसान के नसीब में यही होता है कि वो मेहनत करके दूसरों का पेट भरे और ख़ुद हमेशा के लिए भूखे पेट ही सो जाए। लेकिन बाबूजी ने ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार तो बताया होता।
लेकिन रेहान, मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म। Thank you.